नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको शब्दालंकार बताया, अब लेके चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न उपमा रूपक उत्प्रेक्षा से पूछता है। इसके साथ ही साथ मैं अपहनूत भी ले लिया हूँ, क्योंकि CTT में ऐसे भी जगह से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए ज़रा ध्यान से सुने कि हम शॉर्टकट तरीके में कैसे कोई भी उदाहरण दिया हो, हम कैसे पहचानें कि उपमा है, रूपक है, कि अपहनूति है, कि उत्प्रेक्षा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई ऐसा उदाहरण आए जिसमें जनु जानो जनहु जानहु, अब ज को आप म कर दीजिए, या फिर मनु मानो मनहु मानहु अगर आया हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कोई भी उदाहरण आए जिसमें जन जानो मनमानो जानो मानो जनो मनो जानो मानो आता है, अर्थात जन जानो जनो जानो मनमानो मनो मानो आता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मानो मुख चंद्र सा सुंदर है, मानो मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहां पर उदाहरण में इनमें से कोई ऐसा शब्द है जो आया है, आया है क्या? आया है मानो, आया है, इसका मतलब कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह से जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, क्या आया था? मनहु आया था, इसलिए कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब कोई ऐसा उदाहरण आए जिसमें जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो न आए तो वाचक शब्द शब्द से निर्धारण होगा। वाचक शब्द, अगर वाचक शब्द आता है तो उपमा होगा, अगर वाचक शब्द नहीं आता है तब रूपक या अपहनूति होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह दें मुख चंद्र सा सुंदर है, अब पूछ ले यहां पर क्या इसमें वाचक शब्द है? क्या है? सा है, इसका मतलब तब रूपक या अपहनूति नहीं होगा। दूसरी चीज उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, क्योंकि जनु जानो जनहु जानहु मनु मानो मनहु मानहु नहीं आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा नहीं होगा, और वाचक शब्द आया है इसलिए उपमा होगा, रूपक या अपहनूति नहीं होगा। और उदाहरण देख लें आपके बीच में हम रख देते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, अब आपने देखा क्या इसमें जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो आया है? नहीं आया है। क्या तुलनावाची शब्द है? है। क्या है? सरिस है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा होगा। अब इसी तरह से अगर हम कह दें कि मुख चंद्र है, अब यहां पर क्या जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मानो आया है? नहीं आया है, उत्प्रेक्षा नहीं होगा। क्या इसमें तुलनावाची शब्द है? नहीं है, इसका मतलब तुलनावाची शब्द ना हो तो वहां क्या होगा? रूपक या अपहनोती होगा। प्रश्न ये उठा कैसे हम जाने कि रूपक है कि अपहनोती है? तो याद रखिएगा अपहनूत में नहीं मत, अर्थात इसमें जो होता है नकारात्मक शब्द आता है। अगर नकारात्मक शब्द आता है तो जान लीजिएगा अपहनूति है, नकारात्मक नहीं आता है तब रूपक होगा। अगर क्या इसमें नकारात्मक शब्द है? नहीं है, तो रूपक है। अगर यही कह देते मुख नहीं चंद्र है,
क्या इसमें जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मनो जानो मानो आया है? नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं होगा। क्या इसमें तुलनावाची शब्द है? नहीं है। तो क्या देखें आप, तुलनावाची शब्द नहीं होता है तो रूपक या अपानुति होता है। क्या इसमें नकारात्मक शब्द आया है? आया है। क्या है? नहीं है। इसी तरह से उदाहरण हम आपके बीच में रखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा उदाहरण आए जिसमें जन जानो जनहु जानो मन मानो मनहु मानहु आता है तो उत्प्रेक्षा होगा। अगर ये नहीं आता है और तुलनावाची शब्द या वाचक शब्द आए तो उपमा होगा। तुलनावाची शब्द न रहे, नकारात्मक शब्द भी न रहे तो क्या होगा? रूपक होगा। और अगर तुलनावाची शब्द न रहे और जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मनो जानो मानो न रहे और नकारात्मक शब्द आ जाए तो क्या होगा? अपहनुति होगा। उदाहरण के तौर पर हम लेके चलते हैं, जैसे और एक आध दो उदाहरण देख लीजिए आप। अब एक एक के बारे में बताते हैं तो अपने आप उदाहरण समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। पहला अलंकार उपमा अलंकार। परिभाषा क्या है? जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। और पहचान के ढंग में आपको पता है वाचक शब्द या तुलनावाची शब्द अवश्य आते हैं। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। अब आपने देखा जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो नहीं आया है, उत्प्रेक्षा नहीं होगा। और इसमें तुलनावाची शब्द आने के कारण यहां रूपक भी या अपहनूत भी नहीं होगा, तब क्या है यहां पर? उपमा है। दूसरा उदाहरण देख लें आप। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। आपने देखा क्या इस उदाहरण में जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मनो जानो मानो आया है? नहीं आया है। क्या इसमें तुलनावाची शब्द है? है। कहाँ है? यहां है। अर्थात तुलनावाची शब्द आ जाएगा तब वहां पर रूपक या पहनूति नहीं होगा तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। और दोस्तों आपको बता दें उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के अंग कितने होते हैं? चार होते हैं। नंबर एक उपमेय, नंबर दो उपमान, नंबर तीन तुलनावाची शब्द जिसे दूसरे शब्दों में वाचक शब्द भी कहते हैं, फिर है आपका साधारण धर्म, इसे गुण भी कहते हैं, साधारण धर्म या गुण। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे की जाए, और तुलनावाची शब्द का मतलब जो तो तुलनावाची शब्द होता है, और साधारण धर्म मतलब होता है अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं सेम क्वालिटी।
सेम क्वालिटी का अर्थ होता है जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। तो आप देखें किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, तो ये उपमेय किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो ये उपमान है। तुलनावाची शब्द कौन सा है, सा है। और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके आधार पर दोनों में तुलना कराई जा रही है, तो सुंदर के आधार पर, इसलिए यहां सुंदर क्या है, सुंदर यहां पर साधारण धर्म है या सेम क्वालिटी है जिसके आधार पर दोनों में तुलना की जा रही है। इस तरह से यह रहा आपका उपमा अलंकार। अब लेके चलते हैं आपको रूपक अलंकार की तरफ। लेकिन उसके पहले एक अलंकार थोड़ा सा और जान लें आप, प्रतीप अलंकार। नाम से अर्थ स्पष्ट है कि उल्टा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार है प्रतीप अलंकार। इसमें क्या होता है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। यह अलंकार जो होता है उपमा का ठीक उल्टा होता है। जैसे छंदों में दोहे छंद का ठीक उल्टा सोरठा होता है, वैसे ही उपमा अलंकार का ठीक उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। इसके बाद दोस्तों आगे लेके चलते हैं हम, प्रतीप अलंकार होता कहां है, जब उपमान की तुलना, मतलब उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय बनाकर, उपमेय से की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्र मुख सा है, यहां यह उपमान था लेकिन क्या बना दिया गया, उपमेय बना दिया गया। आइए जरा देख लें दूसरा उदाहरण, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु दो चार खड़े थे। आपने देखा क्या, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु दो चार खड़े थे। आप जानते हैं कि तपस्वी की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 5-7 फीट की होगी, लेकिन देवदार वृक्ष की लंबाई लगभग 100 फीट की होगी। अब आपको ऐसे ही लगेगा कि क्वालिटी में श्रेष्ठ कौन सा है, देवदारू है, और न्यून क्वालिटी कौन सी है, तपस्वी है, क्योंकि इसकी लंबाई 5-7 फीट और उसकी लंबाई 100 फीट। इसका मतलब यहां पर इसकी तुलना इससे करानी चाहिए, लेकिन यहां इसे उपमान बना दिया गया। यहां तपस्वी की तुलना देवदार से नहीं, बल्कि देवदार की तुलना तपस्वी से की जा रही है, इसलिए यहां उपमा अलंकार का उल्टा होकर प्रतीप अलंकार हो जाता है। इसके बाद लेके चलते हैं आपको रूपक अलंकार की तरह। परिभाषा बहुत पूछता है दोस्तों, जरा ध्यान में रखिएगा इनकी परिभाषा को। रूपक अलंकार तीसरा है, रूपक अलंकार जब उपमेय को ही उपमान बताया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जब उपमेय को ही उपमान कहा जाए, अर्थात उपमेय उपमान में अंतर न किया जाए, वही मान लिया जाए, वही कहा जाए, तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, अब यहां पे मुख को क्या बताया, मुख मुख नहीं, मुख को चंद्र बताया जा रहा है,
वही मान लिया जा रहा है। इसमें देखें आप जन जानो मनमानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो नहीं आया है क्या? इसमें तुलनावाची शब्द है? नहीं है। तो कौन सा अलंकार है? रूपक है, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं आए हैं। दूसरा उदाहरण देख लें, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। आपने देखा क्या? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां अंबर को पनघट बताया जा रहा है, अर्थात ये उपमेय है और इसको क्या बताया जा रहा है? उपमान ही बताया जा रहा है। जब उपमेय को उपमान बताया जाए, इसी तरह से तारों को तारा नहीं बल्कि घड़ा बताया जा रहा है। इसका मतलब उपमेय को क्या बताया जा रहा है? उपमान बताया जा रहा है। जब उपमेय को उपमान बताया जाए, जब उपमेय उपमान में अंतर न किया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है। और जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको। जैसे आपने देखा यहां पर क्या कि इसमें जन जानो मन मानो जानो मानो जानो मानो जानो मानो नहीं आया है, क्या इसमें तुलनावाची शब्द है? नहीं है। तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा या फिर आपका उपमान नहीं होगा, तो क्या हुआ? रूपक हो गया। इस तरह से दोस्तों आपका ये रहा। और एक उदाहरण आपके बीच में रखते हैं, बहुत प्यारा उदाहरण है, तीसरा, चरण कमल बंदों हरी राई। आप जरा इसी पर ध्यान दें, क्या इसमें जन जानो मन मानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो आया है? नहीं। उत्प्रेक्षा नहीं होगा। क्या तुलनावाची शब्द है? नहीं है। तो उपमा भी नहीं होगा। क्या नकारात्मक शब्द है? नहीं है। क्या अपहनोति होगा? नहीं होगा। बल्कि चरण को यहां कमल ही मान लिया जा रहा है, चरण को कमल ही कहा जा रहा है, चरण रूपी कमल कहा जा रहा है। इसलिए कभी एग्जाम में पूछे रूपी से अर्थ किस अलंकार में निकलता है, तो रूपक में निकलता है। चरण रूपी कमल, अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े, मुख रूपी चंद्र, यहां पे कौन सा अलंकार है? यहां पर रूपक अलंकार है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट अलंकार की तरफ। अपहनुति वगैरह बहुत नहीं पूछता है, इसलिए सीधे उत्प्रेक्षा की तरफ चलते हैं। परिभाषा बहुत पूछा है रूपक और उत्प्रेक्षा का, इसलिए ध्यान में रखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रश्न ये उठता है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब जब उपमेय में उपमान की बहुत पूछता है परिभाषा, संभावना की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की बात हो, तो ध्यान दीजिएगा वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक बात हमने और बताया था, पहचान के लिए क्या आएगा? जनु जानो जनहु जानहु, आदि 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 हमने बता भी दिया है, अब बताने की बहुत जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। जैसे मानो मुख चंद्र सा
सुंदर है। अब क्या इसमें आप पहचान लेंगे कौन सा अलंकार है? मानो आया है, समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख लें, उस काल मारे क्रोध से रौद्र रस का उदाहरण है, तन कांपने उसका लगा मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपने देखा क्या कि उदाहरण दिया है, क्या इसमें जन जन मन मानो जानो मानो जनो मानो जानो मानो आया है? मानो आया है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा होगा। इसी तरह से सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु मनहु आ गया, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जन जनु आया है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा भी हुआ। नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द वर्तनी में भी बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलग अतिशयोक्ति वर्तनी पूछता है। अतिशय धन उक्ति अतिशयोक्ति गुण संधि है। अतिशय धन उक्ति किसी कथन को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थात जब उपमेय की सत्ता को समाप्त कर सिर्फ उपमान की सत्ता को सिद्ध किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जैसे यह चंद्र है, उपमेय की सत्ता समाप्त कर दी गई, क्या बता दिया जा रहा है? सिर्फ उपमान की सत्ता बताई जा रही है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोय, आपने देखा क्या कि पानी को छुए नहीं बस आंसू बहते रहे और पैर धुल गए, क्या यह संभव बात है? नहीं, यह असंभव बात है। तो जहां पर किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे संदेशन मधुवन कूप भरे, कृष्ण संदेश सुनकर के ही क्या कर दिए? कुआं भर दिए। क्या ये संभव है कि संदेश सुनकर के ही कुआं भर दिया जाए? नहीं, किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद आपका अलंकार आता है विरोधाभास।
जब कोई ऐसा कथन आए जिसमें दो विरोधी बातों का एक साथ होना पाया जाए, या कोई ऐसा कथन आए जिसमें दो विरोधी बातें एक साथ आए, तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जैसे मूक गिरिवर की, मुखरित ज्ञान कहा जाए, गूंगे ने ज्ञान दिया, नो डाउट दे सकता है, लेकिन अगर कह दे मूक, गूंगे ने मुख से ज्ञान दिया, ये दोनों बातें विरोधी हो गई, तो दो विरोधी बातें एक साथ आई, इसलिए कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, जैसे वह ईमानदार चोर है, वह ईमानदार चोर है, नो डाउट ईमानदार हो सकता है या चोर हो सकता है, लेकिन अगर दिया जाए ईमानदार चोर, ये दो विरोधी बातें एक साथ आई हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीमोरन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों लेके चलते हैं आपको भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार में होता क्या है? जब होता क्या है इसमें, जब समानता के कारण, उपमेय में उपमान की शंका की जाए, मतलब सिमिलरिटी जैसी हो, एक जैसी हो, और उसके आधार पर जब किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के, किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की शंका की जाए, और वह शंका याद रखिएगा क्षणिक हो, क्षण भर के लिए हो, कुछ क्षण के लिए हो, तो ही वहां भ्रांतिमान होता है। अगर वह शंका कुछ देर तक बनी रहेगी तो वहां संदेह अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान में शंका क्षणिक होती, शंका क्षणिक होती है, और संदेह अलंकार में शंका कुछ देर तक बनी रहती है। जैसे हम कहते हैं यह रस्सी है या सांप है, यह रस्सी है या सर्प है। आपने देखा कि रस्सी और सर्प एक जैसे लग रहे हैं, रस्सी देख करके उसमें सर्प की शंका करना, और यह शंका क्षणिक है, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद आप मोबाइल जला लेंगे, टॉर्च जला करके देख लेते हैं कि क्या है कैसे है, तो अपने आप पता चल जाता है। इसी तरह से जैसे देखें आप, फूलियो देखी पलासी वन, समूह समुझ दवाग, आपने देखा क्या? पलाश के फूल को देखकर उसमें दावाग्नि की शंका की जा रही है, जंगल की आग की शंका की जा रही है, और यह शंका क्षणिक है, क्योंकि जंगल की आग बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि ये तेजी से नहीं दिखेंगे तो लोगों की शंका दूर हो जाएगी। और आपको बता दें दावाग मतलब दावाग्नि, अग्नियां तीन प्रकार की होती हैं। अग्नि कितने प्रकार की होती है? हिंदी जगत में अग्नियां तीन प्रकार की होती हैं, संस्कृत में पांच प्रकार की होती हैं। अग्नियां नंबर एक है वडवाग्नि, जिसे वडवा नल भी कहते हैं, वडवा नल, अनल माने भी आग होता है, अग्नि माने भी आग होता है। दूसरी है जठराग्नि, जिसे जठरा नल भी कहते हैं। नेक्स्ट है दावाग्नि, जिसे दावा नल भी कहते हैं। अब इन अग्नियों के बारे में जरा एक मिनट के लिए सुन लीजिए। वडवाग्नि कहते किसे हैं?
वडवा घोड़ी के मुख से निकली आग। वडवा घोड़ी थी कौन? इंद्र की घोड़ी का नाम था वडवा। एक बार माना जाता है कि